हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा। कैसे हो आप सब? आज के न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। सो गाइस, ये देखिए बाहर कितना ज़्यादा अंधेरा है और आज ना ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है बाहर, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाहर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है क्योंकि अभी बजा है 4:13 हुआ है, बस ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी हम निकलने ही वाले हैं, थोड़ी ही देर के बाद सब इकट्ठा होकर ना हम तालाब जाएंगे पूजा करने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज सुंदरकांड पाठ होने वाला है। सुंदरकांड पाठ जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पूजा पाठ होता है, काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं वहाँ पर। और सुंदरकांड जो पाठ हो रहा है ना, वो हमारे घर के पास ही है, बगल में ही है, वहाँ पर हो रहा है, तो मैं आपको लेके चलूँगी। अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए और वहाँ पे ना आज भोज भी होगा, तो हम सब ना वहाँ पर खाना भी खाएंगे। तो चलिए जल्दी से ना हम तालाब के लिए निकल जाते हैं, वरना लेट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, मम्मी ने पूजा भी कर लिया है, घंटी का साउंड आपको सुनाई भी दे रहा होगा, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, ऐसे ना बोट तैयार किए हुए हैं हम, और ये देखिए पूजा का कुछ सामान है जो हम पूजा करने जाएंगे तो ये लेके जाएंगे। सो गाइस, मैं बाहर निकल चुकी हूँ और दी को भी बुला चुकी हूँ, वो भी आने वाले हैं, तो हम सब मिलके साथ जाएंगे। देखिए तो यहाँ पर जो दिख रहा है ना टेंट, यहाँ पर होने वाला है सुंदरकांड। कहाँ घरे? नहीं घूम। अरे मंदिर खाना जी बोलो तो महामारी के पूजा का कुछ नहीं चलेगा। अरे हरे स्ट्रेस हो गया रे। देखो देखो मित्रों ने। तो सबकी सामने तो लाकिन तब वही हरे स्ट्रेस हो। हाँ। ये पूरा तीर सब पूजा से। बाजार पूरा तो मैंने सब बोले ना। नानी और अभी तो कहूँ तो लिया मैं 4:30-5 बजे आगरू जी बोली। मिस्त्री लगे दुटा लगे लगे बनई दे ये सामना सामने अच्छे तो लगा लगे हम मुख बेदी चाउल सब रख से सार हो माने जन से माने सब आनु थे लेकिन रहती लगे का बोई तो बंद आनो करा आसी के ना बने दे बुटी यार से से माने का मान को घर मान को रख सो बस रहे
तालाब के उस पार ना देखिए 3 बजे से आके ये लोग पूजा कर रहे हैं, हमें थोड़ा लेट हो गया। सो गाइस हमारा पूजा ख़त्म हो चुका है और हम लोग घर जा रहे हैं, और घर से होके ना फिर हम जाएंगे मंदिर। तो चलिए मंदिर चलते हैं। और ये देखिए हम मंदिर आ चुके हैं, साइड में महादेव जी का मंदिर है और ये है हनुमान मंदिर। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद हम जाएंगे शनि मंदिर, वहाँ पर भी पूजा करेंगे और फिर हम जाएंगे घर। तो आज ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ था यहाँ पर भी, तो थोड़ा टाइम लग गया यहाँ पर हमें पूजा करने में, मतलब 1 घंटा तो लग ही गया। और यहाँ पे ना मंदिर के साइड में यानी कि बगल में ही ना एक तालाब है, पौंड है, तो वहाँ पर भी कार्तिक का जो पूजा होता है वो कर रहे हैं। तो चलिए मैं ना वो साइड में जो तालाब है वो लेके आपको चलती हूँ, लेकिन उससे पहले और एक मंदिर चलते हैं, शनि मंदिर। वहाँ पर पूजा करने के बाद ना मैं आपको दिखाऊँगी कहाँ पर यहाँ पर पूजा हो रहा है। तो ये हम पहुँच चुके हैं शनि मंदिर, और हमारे घर के पास ही है ये तीनों मंदिर। तो हम ना सैटरडे के दिन शाम को आते हैं पूजा करने के लिए शनिदेव जी का, यहाँ पर जोत जला के नूतन और मैं जाते हैं। और बगल में है और एक तालाब, हमारे घर के पास ना 3 तालाब है, एक मंदिर के बगल में ही है और उसके साइड में और एक तालाब है, उसका नाम है मेजर कटा। और हमारे घर के और एक साइड जहाँ पर हम पूजा करने जाते हैं ना वहाँ पर भी एक तालाब है, तो वो है रानी बंद, उसे मतलब उड़िया में बंद कहा जाता है। रानी जब अपने टाइम में थे ना रानियाँ, तो वहाँ पर नहाने के लिए आते थे, पूजा करने के लिए आते थे, इसलिए उसका नाम है रानी बंद। और ये मंदिर के साइड में ही है ये वाला तालाब, तो यहाँ पर भी सब पूजा करने के लिए आए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे ना कमल का फूल भी मिलता है पूजा करने के लिए, यहाँ से हम लोग लेकर जाते हैं। और आज ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ था मंदिर के आसपास, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा का वो पूजा करते हैं, जल्दी उठ के नहाते हैं, ये रिवाज है हमारा। तो चलिए आगे चलते हैं, अभी तो हमने पूजा कर भी लिया है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर सुंदरकांड पाठ होने वाला है। तो वहाँ पर एक बाबा जी भी आने वाला है, तो वो ना पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, तो आज बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो हमारे जो पड़ोसी है हम सब मिलके आने वाला है, ये देखिए यहाँ पर होने वाला है, तो हम सब मिलके यहाँ पर आएंगे, पूजा करेंगे, और ये शाम के 7 बजे तक चलता रहेगा। तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और आज यहाँ पर हम भोग भी खाएंगे दोपहर को, जितना भी हमारे पड़ोसी है आसपास के लोग हैं। पूजा करके आने के बाद ना हम सब मिलके गए थे मंदिर, और अभी जस्ट घर लौट रहे हैं, और आगे क्या क्या होने वाला है आगे वो सब भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ।
आपको तो दिखा चुकी हूँ कि कहाँ पर सुंदरकांड होने वाला है पाठ, तो वहाँ पर हम जाएंगे सिज्जू और साक्षी उठने के बाद। वो लोग अभी सोए हुए हैं क्योंकि अभी सिर्फ 6 ही बजा हुआ है, तो आज सिज्जू का क्लास भी नहीं है, सस्पेंड है, छुट्टी है। तो चलिए देखते हैं क्यूटू और क्यूटी क्या कर रहे हैं। Hey! ये दोनों ना उठ चुके हैं, काफी देर हो चुका है। क्या क्या है आपके पास दिखाओ। ये एक डॉग है, बतख, एक चॉकलेट। वाओ, चॉकलेट भी रखे हुआ। और ये बतख के लिए, ये देखो अंडा, अंडा। ये और फिर ये दो कप्स इसमें चाय के, और ये कढ़ाई। हाँ, ये एक फोटोग्राफर का मम्मी। ठीक है, आप लोग खेलो। हाँ, ये जूस, और यहाँ पर ये क्या है, বেশি উৎপাত হলে তখন তাই আবার একা বাজলা কেন। হ্যাঁ, যা খেলো, চলো শুয়াও, খেলো হেন। কান হেটা শাহি হেটা জিনিস মানে কে খেলুছ। হম যা রে হে পূজা দেখনে কে লিয়ে अभी बाबा जी आ चुके हैं और सब उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, वो सभी को आशीर्वाद कर रहे हैं, तो ब्लेस कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बाबा जी को लेके जा रहे हैं स्टेज के ऊपर, वहाँ पर वो बैठ के पाठ करेंगे। और काफ़ी सारे लोग भी आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग और भी आने वाले हैं, सब अभी तक नहीं आए हैं, आधा ही लोग है ये। और आज जितने भी यहाँ पर लोग हैं ना, बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि आज पाठ होने वाला है। यहाँ पे प्रसाद मिलेगा सबको, भोग मिलेगा, तो दोपहर को ना भोग मिलेगा और उसके बाद ही हम घर जाएंगे। और घर आने के बाद ना हम फिर से यहाँ पर आ जाएंगे पूजा देखने के लिए। और ये देखिए, सब लंच रेडी हो रहा है सबके लिए। तो ये देखिए, सभी जितना भी मतलब खाना है रेडी है, अब भोग लगाया जा रहा है और उसके बाद लंच भी शायद शुरू हो जाएगा, 2 बजे शायद शुरू होने वाला है। तो अभी जो है प्रसाद लगाया जा रहा है, बस भोग लगाया जा रहा है भगवान जी के पास। और उधर चावल भी पक रहा है, साइड में आप देख सकते होंगे। और ये देखिए, हमारे जितने भी पड़ोसी हैं ना, हमें बुलाने के लिए आ रहे हैं और हम सब मिलके इनके साथ जा रहे हैं वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, साक्षी भी बैठी है, बैठने के लिए जा रही है आगे। और अभी बज चुका है 11:30, तो अभी पाठ शुरू भी हो चुका है। और ये देखिए कितने सारे लोग हैं हमारे आसपास। और ये देखिए, सब ना बुला रहे हैं नाचने के लिए, बाबा जी गाना गा रहे हैं भगवान जी का, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कान्हा जी का पूजा में मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, ये देखो कैसे नाच रहे हैं सब खुशी से। और सेजू और उसकी जितने भी फ्रेंड है साक्षी, वो सब भी जा रहे हैं, साथ नाचेंगे वो भी। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितना खुश है सब। ये देखिए नूतन भी कैसे हंस रही है, देख देख के मज़ा ले रही है वो। और क्यूटी, ये देखिए आप सबको हेलो बोल रही है।
मैं सेजू और जितने भी उसके फ्रेंड है ना वो सबको लेके जा रही हूँ वहाँ पे। वो लोग प्रसाद खाएंगे, उनको भूख लगा है, अभी हो चुका है 1:30 तो उनको भूख लगा था तो मैं लेके आ गई हूँ। तो ये देखते खा रहे हैं और चलिए पूछते हैं सेजू को कैसा लग रहा है। तो ये देखिए तो खाएंगे कैसा खाना खा रहे हैं और सेजू और उसके फ्रेंड को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा उसका प्रसाद। वैसे तो प्रसाद खाने की बिल्कुल पसंद होता है मेरा तो कुछ ही मत, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है प्रसाद खाना मुझे। सो गाइस अभी हम खाना खा के जस्ट लंच करके घर आए हैं 5 मिनट के लिए। नूतन मैं, मम्मी और सब और सारे बच्चे भी हमारे घर पर ही है, सब रैबिट के साथ खेल रहे हैं। तो चलिए दिखाती हूँ कौन कौन आए बच्चे। खोलो नहीं बेटा। वहाँ पर भूख खाने के बाद ना हम 5 मिनट के लिए घर आए थे और फिर जा रहे हैं वहाँ पर, तो पास में ही है तो बच्चे लोग तो बार बार आना जाना उनका लगा ही रहता है, बस पूछिए मत। तो ये देखिए उसके फ्रेंड के साथ कैसे बेस्टी है साक्षी से जो देखिए कितना मस्ती करे। और ये लोग ना पाउच पानी मिलते ही ना ये लोग खेलना इनका शुरू हो जाता है, देखिए बस खेलते ही रहते हैं। ये देखिए फिर से नाचना गाना शुरू हो चुका है, नाच गाना सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भगवान जी का भजन चल रहा है और उसमें बाकी सब भी मग्न है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये देखिए सेजू भी ना बार बार अपने फ्रेंड्स को ले जा रही है नाचने के लिए और ये देखिए इधर भी बच्चे सब नाच रहे हैं खुशी से। और ये शोभित बाबू आए थे देखने के लिए थोड़े टाइम के लिए, तो सेजू उसके साथ बैठी है। अभी बज चुका है 4:30 बज ही चुका होगा। तो ये देखिए बाबू और साक्षी को ना नींद लग रहा था तो यहाँ पर देखिए ये सो गई है। और घर पर तो कोई भी नहीं है, खाली है घर, तो साक्षी को कैसे हम घर पर सुला के आ सकते थे, तो ना साक्षी को हम यहाँ पर ही सुला दिए थे और वो सो गई है। और बाकी सब भी देख रहे हैं, अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पाठ चल रहा है, बाबा जी कथा सुना रहे हैं, जो भजन है वो गा रहे हैं और बाकी सब बहुत ही ज़्यादा नाच रहे हैं। आपको तो मैंने दिखा ही दिया है कि कैसे नाच रहे हैं सब खुशी से।
पूजा था पार्ट वो सब ख़त्म हो चुका है, हम सब घर आ चुके हैं। और आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं मेरी न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग के साथ। सो गाइस बाय।